हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम सेंट जोसेफ ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 पार्ट 5th क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा बेटा? काउंटिंग बाई टेंस राइट द जो है नंबर बिटवीन, इसमें 10 10 जोड़ करके इसके आज बीच की संख्याओं को लिखना है बेटा। इसके बीच की संख्याओं को क्या कह रहा है? 54,320 एंड 54,360। ओके बेटा, 60। तो इसके बीच में हम जो है 10, यहाँ 20 है, तो इसमें 10 10 जोड़ते हुए कहाँ तक लिखेंगे? 60 तक लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 54,330 हो गया बेटा, क्योंकि 20 में 10 जोड़ा गया तो 30 हुआ। ओके, फिर 54,340 हो जाएगा, क्योंकि 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आ रहा होगा? 54,350 हो जाएगा। ओके बेटा, अब थ्री देखिए, 54,360 लिखा हुआ, तो इसके बीच की तीन संख्याएं ये होगा 54,360, 54,340, 54,350। ओके, इज योर आंसर। ओके, फिर अब चलते हैं, क्या कह रहा है? 78,921, 78,961। तो 61 तक की संख्याओं को आप लिखना है, तो इसमें हम 10 ऐड करके लिखेंगे, 78,931 हो जाएगा। 21 था, 21 में 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 31 होगा। फिर 78,941 हो जाएगा बेटा। फिर 78,951 हो जाएगा, 78,961 हो जाएगा। तो 61 लिखा हुआ बेटा, यहाँ देखें 61 लिखा हुआ, तो आपको कहाँ तक लिखना है? यहीं तक जो है, 78,951 तक। तो ये आपके थ्री आपके आंसर आ गए बेटा। ओके, ऐसे आप देखें, 7,35,434, 7,35,474। तो हम 34 में 10 ऐड करके लिखेंगे, तो 7,35,444। ओके बेटा, 7,35,454। ओके, फिर देखेंगे, 7,35,464, क्योंकि हम 10 10 ऐड कर रहे हैं बेटा। इसके बाद में 64 में 10 ऐड करेंगे 74, तो 74 आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है भी करना है, इसमें भी 92 है, तो इसमें हम आप 10 ऐड करके और आगे आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे सभी संख्याओं में। आपको कहाँ तक? 32 तक, 432 तक आपको 10 10 ऐड करते हुए लिखना है। कर लेंगे बेटा। ओके बेटा, अब चलते हैं बेटा, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? काउंटिंग बाय 100 राइट द नंबर्स बिटवीन, 100 को ऐड करते हुए आपको बीच की संख्याओं को लिखना है। ओके बेटा, जैसे आपने ऊपर किया तो वहां 10 आप ऐड कर रहे थे, यहाँ आप 100 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? 100 आपको ऐड करना है। तो चले करते हैं, 35,400, 35,900 के बीच की संख्याओं को लिखना है, तो 35,500 हो जाएगा, 35,600 हो जाएगा, 35,700 हो जाएगा और 35,800 हो जाएगा। ओके बेटा, अब 900 आपका दिया ही है, तो ये आपके फोन नंबर्स आपको मिल गए। ओके, तो इट्स योर आंसर बेटा, ये आपके आंसर हो गए। फिर ऐसे चलते हैं, इसमें भी 100 करना है, 6,25,705 एंड 6,26,205। तो चलते हैं बेटा, 6,25,700 है, तो क्या हो जाएगा? ये 805 हो जाएगा। ओके, 6,25,905 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 6,26,000 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 100 इसमें ऐड करेंगे तो कहीं इसमें इधर चला जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 605 हो जाएगा, 6,26,005 हो जाएगा। फिर 6,26,105 हो जाएगा और 205 आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आप देख रहे हैं, सब में 100 100 ऐड करके आगे लिखना है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया।
समझ गए बेटा। ऐसे आपका ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें भी 21,354, 21,854, तो 21,454, 21,554, 21,500, 54, 21,754। आपने देखा कि यहाँ 400 था, यहाँ 500 हो गया, यहाँ 600 हो गया, यहाँ 700 हो गया, क्योंकि 100 की डिजिट को हमें चेंज करना है। आपका जो 100 आप ऐड करेंगे तो 100 का पॉइंट आपका बदलता चला जाएगा। ओके बेटा, तो ये आप ये क्वेश्चन आपका है 58,376 एंड 58,876, इसको आपको स्वयं करना है, घर पे आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा बेटा। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप अच्छे ढंग से घर पे रहें और सभी क्वेश्चनों को करते रहें। तब तक के लिए बेटा गुड आफ्टरनून।